आज हम बात करने वाले हमारे बहुत ही दमदार प्रोडक्ट के बारे में। हमारी संस्था का बहुत दमदार प्रोडक्ट है, वो है दोस्तों हमारा वीटा डॉग कैप्सूल। और वीटा डॉग कैप्सूल के बारे में दोस्तों मैं जानती हूँ कि काफी सारे लोगों को बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है और इसकी अभी तक हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है। तो आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, आपका ज्यादा समय मैं नहीं लेने वाली हूँ, छोटे समय में मैं बहुत ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मैं वीटा डॉग की बात करूँ, वीटा डॉग कैप्सूल की वीडियो शुरू करने से पहले आपको लास्ट वाली वीडियो के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो जानकारी मैंने आपको नहीं दी तो आप एक बहुत जरूरी चीज से छूट जाएंगे। दोस्तों लास्ट जो वीडियो थी हमारे चैनल की वो थी ब्राह्मी प्रोडक्ट के बारे में, हमारी संस्था का बहुत ही दमदार प्रोडक्ट दोस्तों। तो वो है हमारा ब्राह्मी, आप उसे जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दोस्तों जो वीटा डॉग है, आज बात करते हैं वीटा डॉग कैप्सूल की। वीटा डॉग कैप्सूल हमारी संस्था यानी AWPL एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी की जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से जो हमारे डेली लाइफ स्टाइल के लिए कुछ रस बनाती है लिक्विड फॉर्म में, उसका एक बहुत दमदार प्रोडक्ट है वीटा डॉग कैप्सूल। दोस्तों अगर मैं इसके फायदे की बात करूँ कि वीटा डॉग काम क्या करता है, आप देखो दोस्तों इस वीडियो में हम चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बहुत डीप में जाकर नहीं। सबसे पहले वीटा डॉग के फायदे बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे वीटा डॉग में क्या क्या है, यानी क्या क्या कंटेंट है, क्या किन किन चीजों से वो मिलकर बना है वो बात करेंगे। और तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि अगर आप इसे ले रहे हैं तो आप इसे डोज कैसे लेंगे, यानी आप एक टाइम में कितना लेंगे, दिन में कितनी बार लेना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बहुत सारी चीजें। और जब आपके घर में ये प्रोडक्ट है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, वो क्या क्या सावधानियां होंगी वो इस वीडियो में बता दूंगी। पहला है दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ वीटा डॉग। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो पहला फायदा दोस्तों कि सेक्सुअल वीकनेस को खत्म करता है, जो भी हमारी बॉडी में, अगर मैं आपको एक वीटा डॉग के दोस्तों शॉर्ट में बात करूँ ना, बहुत लॉन्ग में नहीं जिसको वीडियो चाहिए, शॉर्ट में जो ये प्रोडक्ट बनाया गया है हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए ही बनाया गया है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए ही बनाया गया मेन जो ये प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके पहले फायदे की बात करूँ तो दोस्तों ये सेक्सुअल वीकनेस बॉडी में कोई भी होती है, कोई भी छोटी से लेकर बड़ी तक, उसको खत्म करता है, जो कम करने वाली है उन्हें कम करता है, जिसको खत्म करने वाली है उन्हें खत्म करता है, यानी किसी में अगर ज्यादा है तो उसे कम करता है, किसी में अगर बहुत कम है तो उसको बढ़ाता है, मतलब जो भी कमियां हैं सेक्सुअल वीकनेस से रिलेटेड वो सारी ठीक करता है। दूसरा फायदा दोस्तों कि यहाँ पर हमें शारीरिक ऊर्जा देते हैं, यानी ऊर्जा देता है, आपके शारीरिक कमजोरी अगर आपके शरीर में तो उसको भी ठीक करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान शारीरिक रूप से कमजोर, खा तो बहुत रहा है लेकिन उसके शरीर में लग नहीं रहा है, कमजोर है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है दोस्तों, बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही है उसकी बॉडी में। तो वो देखो हम डॉक्टर तो नहीं, आना आप डॉक्टर हो ना हम डॉक्टर, हम डॉक्टर तो नहीं है लेकिन हम उन चीजों को समझ नहीं पाए। दोस्तों तीसरा फायदा है कि आपके शरीर को ताकत देता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। दोस्तों दो तीन के मैं नाम लूंगी, बाकी को आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसके कंटेंट के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक एक कंटेंट के बारे में बताऊं कि वो क्या काम करते हैं, क्या फायदा होता है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चनिंग है आप बनवाना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन, जो हमारा वीडियो है उसके कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों पहला हमारा अश्वगंधा, दूसरा है हमारा ल्यूटेन, लिकोपीन, ये दो तीन कुछ ऐसे नाम है जो आपने नहीं सुने होंगे, शायद अश्वगंधा तो बहुत सारे लोगों ने कई बार सुना भी होगा, तो बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप इसे यूज कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप किस किस तरीके से ले सकते हैं, यानी दिन में कितनी बार लेना है, कैसे लेना है और कितने टाइम के बाद लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है। तो दोस्तों आपको दिन में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, जल्दी रिलीफ चाहिए, तो दिन में दो बार लीजिए, एक टाइम में एक कैप्सूल, दिन में दो बार खाने के घंटे बाद, चाहे पानी से ले लीजिए चाहे दूध से ले लीजिए। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल है, हेल्दी रहने के लिए ले रहे हैं, खाली नॉर्मल रह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की कमजोरी ना आए, मुझे किसी भी तरह की समस्या फेस करनी ना पड़े, झेलनी ना पड़े, तो आप दिन में एक ही कैप्सूल ले लीजिए, कोई भी टाइम वो आप डिसाइड कर लीजिए, चाहे शाम को ले लीजिए, चाहे रात सुबह में ले लीजिए, लेना है खाने के एक घंटे बाद, कंडीशन वाली सेम रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपके घर में प्रोडक्ट है या आप लाने वाले हैं या आप रखना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला दोस्तों बच्चों से दूर रखना है, दूसरा दोस्तों ऐसे ही किसी को नहीं देना है, मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी नहीं देना है, एक बार कंडीशंस देख लेना है कि क्या करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट किस लिए है, एक बार पूछ लें, ठीक है, ऐसे ही किसी को नहीं देना है। और आप खुद भी ऐसे जाके फ्रेंचाइजी से ऐसे कहीं ना ले, एक बार हम लोगों जो हमारे हेल्थ एडवाइजर है इनके पास इन चीज़ों की जानकारी है दोस्तों, तो एक बार पूछ ले, एक बार बात कर ले, प्रॉब्लम पूछ ले, प्रॉब्लम बता ले, तो तभी ऐसे ही लेना, ऐसे नहीं लेना है, बता के पूछ के डिस्कस करके ही लेनी है कोई चीज़। तीसरी बात दोस्तों कि आपको इसे खोलने के एक महीने के अंदर अंदर इसे ख़त्म करना ही करना है, ठीक है दोस्तों,
ये थे हमारी कुछ दो तीन चीजें। और हाँ दोस्तों, इसे ठंडी जगह पर रखना है, गर्म जगह पर नहीं रखना है जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हो या गर्म वातावरण हो, वहां पे भी नहीं रखना है। और ऐसा नहीं है कि ठंडे के चक्कर में फ्रिज में रख दीजिए, नॉर्मल जगह पे रखें जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।